है। तो अब जो है हम लोग, ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल और नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब मान लो हमें 10, ये हमारा प्लॉट है कोई, ये प्लॉट है ठीक है, और इसके अंदर हमें एक 10 मीटर बाय 10 मीटर का कंस्ट्रक्शन करना है, 10 बाय 10 का कंस्ट्रक्शन करना है ठीक है। 10 बाय 10 के प्लॉट में हमें कंस्ट्रक्शन करना है, इस प्लॉट के अंदर हमें 10 बाय 10 की बिल्डिंग का फाउंडेशन क्रिएट करना है। तो 1.5 मीटर हमें डेप्थ में जाना है, 1.5 मीटर हमें नीचे जाना है, तो हम एक्सकवेशन कितना करेंगे, एक्सकवेशन कितना करेंगे? हाँ जी, एक्सकवेशन कितना करेंगे हम, बोलो भाई, एक्सकवेशन के लिए लेंथ कितनी लेंगे? हैं सर सबसे पहले 100 mm ऐड करेंगे, उसके बाद 300 mm और ऐड करेंगे। 100 mm ऐड करेंगे किसके लिए? वो सर लंबाई में भी करेंगे, चौड़ाई में भी करेंगे, उसके बाद फिर किस सेम चीज के और लिए, किस 300 और चीज के ऐड लिए? करेंगे सर। अरे भाई वो तो समझ गया मैं, लेकिन 100 mm जो तुम कह रहे हो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, वो किस चीज के लिए करेंगे? वो सर पीसीसी अच्छा ठीक है, पीसीसी के लिए तुम ये कह रहे हो कि अगर हमारा ये एक्सकव ये हमारा ये हमें अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम 100 mm एक्स्ट्रा लेके और फिर करेंगे ठीक है। चलो ये भी मान ली, तुम्हारी बात भी मान ली, जी हमें 1.5 मीटर जाना है नीचे, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से ये होगा 10.2 बाय 10.2 का, है ना, यही कह रहे हो? अच्छा 300 और और सर बता, जुड़ना देखिए पड़ेगा एक एक मीटर उसमें, तीन अब सौ और जुड़ना पड़ेगा सर उसमें 300 किस लिए जोड़ना है? वो सर वर्किंग स्पेस हो जाएगा। हाँ, 0.3 मीटर जो है वर्किंग स्पेस हो जाएगा ठीक है, 0.3 मीटर वर्किंग जी स्पेस और हम इसमें ऐड कर देंगे ठीक है। तो मतलब हमारा लेंथ कितना आएगा, हमारा लेंथ कितना आएगा, हमारा अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें भाई, देखो एक्सकवेशन जो है, एक्सकवेशन के लिए कोड क्या बोलता है, कोड क्या कहता है हमारा, अप टू 1.5 मीटर जो है ना, अप टू 1.5 मीटर जो है आप 0.3 0.3 वर्किंग स्पेस लेते हो ठीक है। कोड कहता है 0.3 0.3 जो है जो है आप वर्किंग स्पेस लोगे किसके लिए, अब अगर आपका जो है डेप्थ 1.5 मीटर तक है। जनरली जो हम घरों के फाउंडेशन बनाते हैं 3 4 स्टोरी 5 स्टोरी, जो हम जो नॉर्मली घर बनाते हैं उसमें हम लोग 300 300 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं वर्किंग स्पेस के लिए, जो फाउंडेशन हम खोदते हैं नींव जो खोदते हैं उसके लिए 300 300 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम लोग कई बार जो है 500 तक खोदते हैं, जो 1.5 मीटर होता है ना हमारा, 1 मीटर के हाइट तक होता है, तो उसमें 300 या 500 तक चलता है, 500 500 करके हम लोग करते हैं, और 1.5 मीटर से ऊपर होता है तो उसमें 900 ले लेते हैं, 1.5 मीटर से ऊपर अगर है तो 0.9 मीटर एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस लेते हैं ठीक है ना। ठीक, वर्किंग स्पेस का मतलब है क्या, वर्किंग स्पेस लेते क्यों है? शटरिंग वगैरह लगाने के लिए सर, जो काम करना पड़ेगा अच्छा वो तरह, हाँ मतलब आदमी नीचे जाएगा सेफ्टी डेढ़ वगैरह मीटर के लिए नीचे सर। से अगर ब्रिक वर्क भी कर रहा है तो ब्रिक वर्क करने के लिए भी उसको जगह चाहिए, खड़े होने के लिए चाली बांधनी पड़ती है, चाली बांधने के लिए उसको जगह चाहिए, वर्किंग स्पेस का मतलब वर्किंग स्पेस। और जब हमारा ज्यादा डेप्थ होता है, अगर हमारा डेप्थ ज्यादा है, अगर हमारा डेप्थ बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है हमारा, हम इस तरीके से ट्रेंच बनाते हैं ठीक है ना, इस तरह से बनाते हैं। जब हमारा डेप्थ ज्यादा होता है, जब हम बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, 5 5 6 6 मीटर नीचे जाते हैं, जब बेसमेंट होते हैं यहाँ पर 3 3 4 4 बेसमेंट होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग इस तरीके से करते हैं इसको, डेप्थ को इस तरीके से कटिंग करते हैं ताकि जो है रेनी सीजन या फिर जो फ्री फॉल ना हो कटिंग, अगर सीधा आप खड़ा काट दोगे तो क्या होगा, ये मिट्टी ढह जाएगा। इसके लिए जो है हम स्टेप्स में इसको जो है कटिंग करते हैं ठीक बेंच बनाते हैं है ना, ट्रेंच बना के हम लोग इसकी कटिंग करते हैं एक्सकवेशन के लिए ठीक है। तो अब अगर इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आइटम आएगा, सबसे पहले हमारा आइटम आएगा एक्सकवेशन ठीक है जी। पहला आइटम क्या होगा हमारा, फर्स्ट आइटम होगा हमारा एक्सकवेशन, एक्सकवेशन एक्सकवेशन के लिए लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या होगी भाई, अभी हमने बात किया तो 10 प्लस 0.1 प्लस 0.3, मतलब अगर हम यहां से देखे चल रहे हैं 0.1 और 0.3 ठीक है ना, ये ऐसे चलेगा, ये हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई ठीक
ठीक है जी, हमारी लेंथ आ गई। विड्थ क्या आएगी हमारी? विड्थ भी सेम ही आएगी, जो ये है वही विड्थ आ जाएगी। हाइट क्या रहेगी हमारी? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, एल एन टू बी इंटू एच से हमारा क्या निकल जाएगा, मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। सेकेंड हमारा क्या आएगा, बैक फिलिंग। बैक फिलिंग अभी हम छोड़ देंगे, बैक फिलिंग हम छोड़ देंगे अभी, इसको अभी नहीं करते। थर्ड हमारा क्या आइटम आएगा, थर्ड हमारा क्या आएगा, ये अगर हमारा ब्रिक वर्क है, इसको हम लोग ब्रिक वर्क कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं? ब्रिक वर्क कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिक वर्क है ये हमारा। ठीक, तो ब्रिक वर्क ले लेते हैं, 230 mm थिक ब्रिक वर्क, या पीसीसी लेना है पीसीसी ले लो। अगर हम पीसीसी लेते हैं, पीसीसी बिलो ब्रिक वर्क, ठीक है, 100 mm थिक कर लिया उसने, आपने 100 mm थिक, 100 mm थिक, तो इसकी लेंथ क्या होगी, पीसीसी की लेंथ कितनी होगी भाई, लेंथ कितनी होगी, ये कम कर दो इसमें से, ये हटा दो, ये हटा दो, ये लेंथ आ गई हमारी कितनी, कितनी आ गई। अब देखो इसमें लेंथ में जो है, हम दो दो लेंगे, दो लेंगे लेंथ में, ठीक है, L1 और L2। लॉन्ग लॉन्ग, ये देखो, ये अगर हमारी पीसीसी ऐसे है ना, ये इस तरीके से होगी पीसीसी, ठीक है, इस तरीके से होगी। तो ये वाली तो हमारी कितनी है, 10.2 मीटर है, 10.2 मीटर, ठीक है, ये अपोजिट वाली भी 10.2 मीटर होगी। ठीक, उसकी चौड़ाई जो हमने कितनी ले रखी है, चौड़ाई हमने कितनी, 230, 9 इंची दीवार, 230 प्लस 0.2, 0.1, 0.1 मतलब 0.3, कितना हो गया, 0.23, 0.4, 0.43 मीटर हो गया, 0.43 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। इसकी भी चौड़ाई कितनी है, 0.43, है कि नहीं है, है ना भाई, है ना। तो अब क्या होगा इसमें, ये हमारी क्या है, ये L1 है, और ये वाली जो है हमारी, ये L2 काउंट होगी, ये वाली जो है L2 काउंट होगी, अंदर से अंदर होगी हमारी, अंदर से अंदर। L2 की सर एक लेंथ बार ये क्या पॉइंट पॉइंट थ्री है, 0.43 बताना सर एक बार दोबारा, जो 0.43 निकाला सर। ये हमारी जो ब्रिक वर्क है ना, इसमें ब्रिक वर्क की चौड़ाई कितनी है, इसके ऊपर ब्रिक वर्क कितना टू चौड़ा है, थर्टी 230 एमएम सर। mm प्लस 100 mm बाहर निकाल रहे हैं। अभी तो हमने बात किया ना, ये 100 mm बाहर निकाल रहे हैं, ये वाला पीसीसी 100 mm बाहर निकल रहे हैं ब्रिक वर्क से। उस वो ऐड कर लो, 0.23 प्लस 0.1, 0.1 कितना हो गया, 0.43 हो गया। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये अंदर से अंदर, अब ये 10.2 मीटर यहां तक है हमारा, 10.2 मीटर आउटर टू आउटर है, उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 10.2 माइनस 0.43 माइनस 0.43, ये हमारी शॉर्ट वॉल आ जाएगी, शॉर्ट लेंथ आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, L की जगह पे L1 प्लस L2 कर देंगे, L1 प्लस L2 इंटू 2, क्यों, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो कर लो कितना हो गया, 10.2, 10.2 प्लस इसमें से कितना माइनस करने के, कितना आया भाई, ये 10.2, 10.2 माइनस 0.43 माइनस 0.43 कितना आ गया, सॉरी, 10.2 माइनस 0.43 माइनस 0.43, ये आ गया 9.34, ये आ गया आपका कितना, 9.34 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई 9.34, और इंटू 2 कर दो और इंटू एच कर दो, तो थिकनेस कितनी है इसकी, अगर हम ये कर रहे हैं तो इसकी एल प्लस बे, सॉरी अभी मत करो इसको, अभी इसको रहने दे, कितना आ गया, इन दोनों को करने पे कितना सॉल्व आएगा, प्लस 10.2, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका इंटू 2, तो ये आ गई आपकी लेंथ कितनी आ गई, 39.08 मीटर। ठीक है जी, 39.08 मीटर। अब लेंथ हो गई, विड्थ, विड्थ कितनी हमारी, लेंथ एल बी एच पे डालोगे आप इसको, तो लेंथ कितनी है, 39.08, थिकनेस बी कितनी है हमारी, चौड़ाई कितनी है पीसीसी की, 0.43, और थिकनेस कितनी है, 0.1, ठीक है ना, 0.1 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम लोग शटरिंग भी निकालेंगे, फोर्थ पीसीसी शटरिंग, पीसीसी शटरिंग, पीसीसी शटरिंग, पीसीसी शटरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस बी, सॉरी इसमें जो है हमारा क्या होगा, पीसीसी का शटरिंग कैसे निकलेगा भाई, पीसीसी का शटरिंग कैसे निकलेगा, हम पीसीसी का शटरिंग यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, है ना। पीसीसी की शटरिंग जो है हम अंदर की तरफ से लगाएंगे और बाहर की तरफ से लगाएंगे, तो मतलब एल इंटू एच, एल इंटू एच, एल इंटू एच कर दो, तो एल कितना हमारा, एल कितना हो गया हमारा, 39.08 08, इंटू एच कितना है, 0.1, तो एरिया आ जाएगा शटरिंग का, और इसको इंटू कर देना 2 से, 2 से, 2 क्या है, ये हमारे साइड्स हैं,
अंदर के साइड और बाहर के साइड, ठीक है ना, अंदर के साइड बाहर की साइड। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में हमारा पीसीसी आ जाएगा, पीसीसी का शटरिंग आ गया, पीसीसी आ गया, पीसीसी का शटरिंग आ गया। इसके बाद क्या होगा, फिफ्थ आइटम हमारा ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क या ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क क्वांटिटी क्या है, 230 mm थिक, 230 mm थिक। इसके लिए क्या होगा हमारा, इसके केस में भी सेम वही होगा हमारा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से ही करेंगे इसको भी। कैसे करेंगे इसको भी, सेम उसी तरीके से करेंगे हम लोग। कैसे, कि ये जो हमारा पीसीसी, ये जो हमारी ब्रिक वर्क है, ठीक है जी, ये हमारा ब्रिक वर्क है ये वाला, तो ये जो है हमारा, ये हमारे कितना है ब्रिक वर्क, 10 मीटर का है ना, आउटर टू आउटर 10 मीटर है। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 10 -0.23 -0.23 होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जंक्शन जो बनेगा आपका, ये वाला डबल तो नहीं होगा ना, ये वाला जो कॉर्नर आएगा वो तो आपने इसमें कंसिडर कर लिया, ये कॉर्नर जो है, ये तो लॉन्ग वॉल में आपने कंसिडर कर लिया, तो शॉर्ट वॉल में तो ये आएंगे नहीं ये वाला, ठीक है। तो इस वाले केस में जो है अंदर से अंदर ही आएगा, तो मतलब इसके यहां से लेके यहां तक ही आएगी हमारी इसकी लेंथ। तो 10 में से माइनस क्या कर देंगे, 0.23 -0.23, मतलब 9.64 मीटर, ठीक है, 9.64 मीटर ही हमारी किसकी आ गई, शॉर्ट वॉल की लेंथ आ गई। तो इसमें सेम वही करेंगे, एल इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू 2, मतलब 10 प्लस 9.64 इंटू 2। अब हमारी लेंथ आ गई, तो बी क्या है हमारी, विड्थ, विड्थ ऑफ वॉल क्या है, 230 mm, 9 इंची है ना, 0.23 मीटर, 0.23 मीटर। और हाइट कितनी है हमारी ब्रिक वर्क की, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है जी। आया जी समझ में, इतना आ गया समझ में, हो गया क्लियर भाई, इतने में डाउट है किसी को, इतने में कोई डाउट है, पीसीसी तो पीसीसी में सर इनर और आउटर शटरिंग, इन आउटर शटरिंग तो समझ में आता है, इनर शटरिंग क्यों करना क्यों, अंदर पीसीसी? भी, अंदर भी तो हमने गड्ढा कर रखा ना, हमने पूरा गड्ढा कर रखा है, पूरा खाली कर रखा है गड्ढे को हमने, ये थोड़ी ना कि खाली दीवार, दीवार जहां कर रहे हैं वहीं पे हमने गड्ढा किया है, हमने पूरा खाली किया उसको एक बारी को, समझ रहे हो, पूरा इतने भाई इतने का हमने पूरा का पूरा जो है गड्ढा कर रखा है, पूरे भाई एक पूरे मिनट का सर, प्लान पूरा। उसका बनाइए, प्लान उसका अरे प्लान भाई कैसा ये दिखेगा? जितना भी है ना, ये लंबाई चौड़ाई कितना है, लंबाई चौड़ाई कितना हो गया इन दोनों का, उसका पूरा का पूरा हमने गड्ढा कर दिया, ये समझो कि पूरा का पूरा हमने गड्ढा कर दिया ये। और उसके बाद जो है ठीक हमने है सर, इसके 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 जहां पर हमारा कॉर्नर आ रहा है, ब्रिक वर्क का कॉर्नर आ रहा है, वहां पर हमने पीसीसी कर दिया है 430 mm चौड़ा। मतलब सिर्फ सिर्फ ब्रिक वर्क के लिए आपने पीसीसी कर रखा है, हाँ पूरे ब्रिक वर्क उसके जहां पर लग नहीं रहा है कर वहीं पे रखा? पीसीसी किया है, ब्रिक वर्क जहां लग रहा है ठीक वहीं ठीक पे पीसीसी ठीक है सर, किया है समझ गया उसके नीचे ही, समझ गया। ठीक है, ठीक ये आएगा, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ठीक। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, इस पे जो है हमारा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या आइटम होगा हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट आइटम होगा क्या चीज, इसमें हमारा नेक्स्ट आइटम क्या होगा, हमारा आइटम नंबर 6, आइटम नंबर 6 क्या होगा, बिटुमिन ब्रिक वर्क, ये सॉरी बिटुमिन पेंट, बिटुमिन पेंट ऑन ब्रिक वर्क, ठीक है, बिटुमिन पेंट कर देंगे ब्रिक वर्क पे बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से चारों तरफ से क्या कर देंगे, बिटुमिन पेंट कर देंगे, बिटुमिन पेंट कर देंगे। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, एल कितना होगा, 10.10 मीटर होगा, एल 10 मीटर है, बी कितना है, बी भी 10 मीटर है, आउटर टू आउटर पूरा, हाइट कितना है, 1.5 मीटर, तो वही एल इंटू बी इंटू एच, एल सॉरी एल प्लस बी इंटू टू इंटू एच, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चारों तरफ से हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं उसके, और बिटुमिन पेंट कर रहे हैं, ठीक है, आउटर साइड से बिटुमिन पेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, पॉलिथीन शीट, पॉलिथीन शीट ऑन ब्रिक वर्क,
ऑन ब्रिक वर्क, तो वही चीज हमारा कितना आएगा, 10 एल प्लस बी, मतलब एल 10 प्लस 10 एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एच, ये भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, सेम 1.5 मीटर स्क्वायर हाइट पे। इसको यहां तक कर लेंगे हम लोग। 7 जो हमारा आइटम है वो है बिटुमिन पेंट और पॉलिथिन शीट ऑन ब्रिक वर्क, ठीक है, पॉलिथिन शीट बिटुमिन पेंट ऑन ब्रिक वर्क। उसके बाद क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट क्या आइटम है हमारा, इसके बाद हमारा आइटम है क्या, यहां देखो, यहां पर क्या होगा ना, ऊपर, यहां ऊपर क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या बिछाएंगे, वायर मैश, पॉलिथीन शीट बिछाएंगे, पहले पॉलिथीन शीट बिछाएंगे और फिर वायर मैश करेंगे, वायर मैश, फिर वायर मैश भी डालेंगे। पॉलिथीन शीट क्यों बिछाएंगे, कि इन केस कभी ऊपर से लीकेज हो जाए, जब बैक फिलिंग कर दोगे ना आप, बैक फिलिंग करेंगे हम इसके पहले पूरा। अब एक चीज, चलो चलो बैक फिलिंग ही करते हैं, बैक फिलिंग, बैक फिलिंग, बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग कैसे करते हैं, बैक फिलिंग को हम लेयर बाय लेयर करते हैं। 1.5 मीटर अगर हमें फिलिंग करना, तो एक बार में तो करेंगे नहीं हम पूरा का पूरा, है ना, उसको लेयर बाय लेयर करेंगे फिलिंग उसकी, ठीक है। तो लेयर बाय जब लेयर करेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या चीज होगा, कितने बाय कितने की लेयर करेंगे, कितनी थिकनेस की लेयर करेंगे। 200 mm, टू हाँ, 200 हंड्रेड एम एम हमने एम लेयर लेयर, मतलब मिट्टी बिछाई, पानी छिड़का, फिर आपने उसके ऊपर रोलर चला दिया, फिर मिट्टी छिड़का, मिट्टी बिछाई, पानी छिड़का, रोलर चला दिया, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते क्यों है, मतलब क्योंकि फॉर थोड़ा, बेटर कॉम्पैक्शन रिजल्ट। हाँ, कॉम्पैक्शन करने के लिए, ताकि कल उसके अंदर वॉइड न रह जाए। अदरवाइज देखा होगा कई जगह पे जो है, अगर आप कॉम्पैक्ट करके नहीं सॉइल को वो करते हो, तो वो जो है आपकी क्या होती है, वो सेटलमेंट हो जाता है वहां पर, ठीक है ना, और सेटलमेंट हो जाएगा तो जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो बैठ जाएगा कल की डेट में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बैक फिलिंग कर रहे हैं। तो बैक फिलिंग जब हमने लेयर बाय लेयर किया, तो वो क्या हो गया, एकदम से सॉलिड हो गया, वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया पूरा, मतलब पहले कैसे मिट्टी, इसीलिए हमने पूरे प्लॉट को खाली करके फिर मिट्टी वापस डाली लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्ट करने के लिए अपने हिसाब से, ताकि वो प्रॉपर कॉन्फिगरेशन हो सकता है पहले वाली मिट्टी में नीचे अंदर दीमक वगैरह हो, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर बैठ सकता है। इसके लिए हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो है नीचे खाली करके फिर उसमें बैक फिलिंग करी, कॉम्पैक्शन, ठीक है, पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया। तो अब हम बैक फिलिंग की क्वांटिटी देखो, बैक फिलिंग जनरली कैसे करते हैं, टोटल एक्सकवेशन का क्या करते हैं, टोटल एक्सकवेशन, टोटल एक्सकवेशन का वॉल्यूम का 1/5 ले लेते हैं, ठीक है, ये थंब रूल है, थंब रूल है 1/5 ऑफ टोटल एक्सकवेशन, ये थंब रूल है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं देता आपको, ये कभी भी आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं देता है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सकवेशन, टोटल एक्सकवेशन में से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ फुटिंग पीसीसी, फुटिंग पीसीसी माइनस, इसको अगर ब्रैकेट में कर लेते तो प्लस क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, फुटिंग आरसीसी, फुटिंग आरसीसी, ठीक है, माइनस वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, फुटिंग के बाद क्या, नेक कॉलम कंक्रीट, नेक कॉलम कंक्रीट, प्लस जी वॉल्यूम ऑफ ये क्या बोलते हैं, ग्राउंड बीम कंक्रीट, बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड बीम कंक्रीट, प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ब्रिकवर्क पीसीसी, ब्रिकवर्क पीसीसी, और प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ब्रिकवर्क, ब्रिकवर्क। तो ये आप सारा का सारा माइनस कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी किस चीज की, एक्सकवेशन की। क्योंकि जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में जग डुबाओगे तो पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना कि उस जग का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, तो वो जो है आपका उतना ही बाहर निकलेगा पानी। तो इसके लिए जो है आप क्या करोगे, कि जो जो आपने सॉलिड चीजें अंदर डाली हैं एक्सकवेशन में से, वो माइनस कर दोगे, टोटल एक्सकवेशन माइनस कर दोगे, तो दैट विल गिव यू एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब जब एक्सकवेशन कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे बिछाएंगे नेक्स्ट आइटम, पॉलिथीन शीट, पॉलिथीन शीट बिलो ग्रेड स्लैब, बिलो ग्रेड स्लैब, ग्रेड स्लैब, ठीक है, यहाँ पर इस पे पूरे पे हम पॉलिथीन शीट बिछा देंगे, तो मतलब एल इन टू बी, एल इन टू बी मतलब 10 इंटू 10, ठीक
ठीक है, मीटर स्क्वायर। इस पे हम पूरे के पूरे पे ग्रेट स्लैब पे ऊपर से भी प्रोटेक्ट कर देंगे, ताकि जो है ऊपर से भी कभी मॉइस्चर अंदर ना जाए, पानी अगर कहीं पे लीक हो गया घर के अंदर तो वो अंदर ना जाए फाउंडेशन में आके। इसके लिए हम वहां पे भी वो बिछा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वायर मैश। अब देखो वायर मैश, वायर मैश फॉर ऑन ग्रेट स्लैब, ग्रेट स्लैब। अब देखो हम लोग, मैं अपने इस फ्लोर पे खड़ा हूं, मैं फ्लोर पे कैसे खड़ा हूं, क्योंकि इस स्लैब के अंदर क्या है, रीइन्फोर्समेंट है। अगर रीइन्फोर्समेंट नहीं होती तो ये डैमेज होकर नीचे गिर जाती है ना, तो रीइन्फोर्समेंट की वजह से मैं टिका हुआ ये। तो हम ग्राउंड पे जो है रीइन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमारा कमर्शियल नहीं है, तो कमर्शियल होगा तो वहां तो प्रोवाइड करते हैं, बट रेजिडेंशियल में हम लोग कभी भी ग्राउंड में कुछ बिछाते ही नहीं है, ग्राउंड में कुछ बिछाते नहीं है। तो अगर तुम पहाड़ों में गए होगे कभी, तो तुमने इस तरह का जाल देखा होगा, ऐसा जाल होता है जो हम लोग वायर मैश, इस तरह का जाल होता है 50 बाई 50 mm का, तो वो जाल आप यूज कर सकते हो एज ए री इन्फोर्समेंट इन अ ग्रेड स्लैब, ठीक है ना, ताकि कभी भी सेटलमेंट हो तो वो आपकी जो फ्लोर है ना वो एकदम से बैठे नहीं। जो भी आपने इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, आपको टाइम मिल जाएगा, आप उनको वहां से हटा सकते हो, ठीक है ना, आप उनको वहां से हटा सकते हो। तो क्या करेंगे, वायर मैश ऑन ग्रेड स्लैब, तो वही 10x10 का एरिया आ जाएगा आपका, इसका भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, इसका भी आपका क्या आ जाएगा, एरिया इन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, कंक्रीट का क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ सीसी, सीसी फॉर ग्रेड स्लैब, ग्रेड स्लैब, ग्रेड स्लैब का सीसी का जो है वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 mm थिक, 100 mm थिक है, ठीक है। तो मतलब 10x10 एल इंटू बी इंटू एच कितना हो गया, 0.1। तो ये जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आपका ग्रेड स्लैब का कंक्रीट आ जाएगा, ठीक है जी। और बताओ, और कोई आइटम छूटा नीचे, इसके अलावा कोई आइटम होता है, जितने भी आइटम होते हैं मैं, हमने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं बिलो ग्राउंड लेवल के, ठीक है, ठीक है भाई। तो ना मैं अभी इस मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में जो है ना आप, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा भाई, ये नहीं जो नए ज्वाइन किया ना वो अभी जैसे लिंक भेजूंगा उसके उसके साथ में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है आधा घंटा एक घंटा रुक के जो है 9 बजे का टाइम लिखा होता 9 बजे ज्वाइन कर रहे हो, जैसे लिंक मिलेगा आप ज्वाइन कर लेना। अहमद ये कैमरा ऑन रखा करो यार क्लास के टाइम पे अपना, ठीक है, कैमरा ऑफ मत रखा ओके करो, क्लास करते हो क्लास के टाइम पे कैमरा ऑन रखा करो, ठीक है। चलो ठीक है फिर, हाँ मैं अभी लिंक भेजूंगा थोड़ी देर में, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे।